ख्वातीन व हज़रात अस्सलाम अलैकुम। आज आपको पता है कि हम पाकिस्तान का 65वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं और इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ वो लोग कर सकते हैं कि जिनका अपना मुल्क नहीं है। अपना मुल्क होना कितना अहमियत का हामिल है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, जिसे आप आज़ादी कहते हैं। आप आज़ादी से हर काम कर सकते हैं, चलना फिरना बैठना, और इसके साथ एक वो जो आपको फीलिंग होती है कि ये मेरी अपनी चीज़ है। ये इसी तरह से बात समझ लें कि छोटे लेवल पे जाके अगर आप समझें कि ये आपका अपना घर है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनका अपना घर नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही यानी किराए के घर में भी नहीं बल्कि ऐसे ही रह रहे होंगे। वो इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपना घर होना कितना ज़रूरी है। अब ये पाकिस्तान जो अल्लाह के फ़ज़ल से कायम हुआ, इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, ये हमारा अपना घर है, ये हमारी अपनी माँ की तरह है। अब अगर हम गौर करेंगे तो ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने, इस मुल्क ने पाकिस्तान में रहने वालों के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया। यानी कि आप समझें कि इस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस मुल्क के अंदर ये वाहिद मुल्क है कि कोई शख्स भूखा नहीं सोता। यहाँ की डायनमिक्स आप देखें कि कितने से कितनी भी महंगाई हो जाती है, कितने से कितने भी आफतें आ जाती हैं, लेकिन ये कौम इस चीज़ से निकल जाती है। तो कौम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़बूत है, जज्बे वाली कौम है। एक टीम लोगों की थी जिसने एक शहर बसा दिया। हम नहीं रहेंगे, ये यकीन है, किसी को यकीन नहीं है, हम नहीं रहेंगे क्योंकि मौत बरहक है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये काम अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह के आप आज देखें कि वो जो ओझा थे, उन्होंने एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनाई, वहाँ से उन्होंने फलाई काम किया, गवर्नमेंट ने मदद की, आज ओझा का नाम है, लोग याद करते हैं। तो ये चीज़ें रह जाती हैं कि जो आप दूसरों के लिए करके जाते हैं। इसलिए मैं अपने सब दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि अपना ये मिशन बना लें कि हमें दूसरों के लिए जीना है। अपने लिए तो सब जीते। आप अपनी माँ से जो सलूक करते हो वो इस मुल्क के साथ सलूक करो। आपकी माँ जिस सलूक की हकदार है, क्योंकि माँ ने पैदा किया और अल्लाह पाक ने माँ के दर्जात को सबसे बुलंद दर्जा दिया है। इस मुल्क की भी हमने मिट्टी से गंदम खाया है और हम पैदा हुए हैं, इससे उसी से बड़े हैं, पड़े हैं, तो हम इस मुल्क के साथ कैसे सोच सकते हैं नुकसान पहुँचाने का। Thank you.